हम लोगों को मानदेय बढ़ा दिया जाए, उसको उसी पर हम लोग कंट्रीब्यूशन सिस्टम छुड़ा दिया जाए। इतना कोरोना काल चला है उसमें हम लोग भी काम किए, वो भी कुछ नहीं भी मिला। इलेक्शन हुआ उस पर बोला गया कि 5,000 रुपया आप लोग घर घर जाकर के सब महिला को इलेक्शन में वोट दिलाइएगा, 5,000 रुपया मिला, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को अंधकार में रख रख के काम कराया जाता है और पैसा नहीं दिया जाता है। तो हम लोग का कहना है जो 150 रुपया जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो दीदी के पास जाते हैं तो भीख जैसा उससे मांगते हैं, वो नहीं भरती है 15,000 के, कहती है 15,000 जब पाँचों दीदी तीन दीदी को हमको दे दिए 5,000 तो हम क्या चीज़ का ब्याज दें। हम लोग को बोला गया था कि 47,50 रुपया, अब हम लोग का 3,000, 3,200, 2,600 सारे कार्डर को एक जैसा परिमाण नहीं मिलता है, सबको किसी को 2,500। और वहाँ हम लोग ट्रेनिंग लिए तो वहाँ बताया गया कि 3,750 रुपया आपको एस एन टी मिलेगा पर्सनल, 1,000 आपको एस एन टी मिलेगा फील्ड वर्किंग के लिए, उसको उसके बाद हम लोग काम करके देते हैं, उसके बाद हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है तो 2,500 से 2,600 रुपया हर महीने। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश रंजन। आज मैं पहुंचा हूं जीविका के कार्यालय में जहां संघर्ष जीविका संकुल स्तरीय कार्यालय है, यहां जीविका दीदियों ने तालाबंदी कर दी है। अपनी मांगों को लेकर इनकी मांग है कि मेरा मानदेय बढ़ाया जाए, और भी कई सारी मांगे हैं उनको लेकर इन लोगों ने आज तालाबंदी की है, डीपीएम का घेराव किया है, इसको लेकर के यहाँ इन लोगों ने तालाबंदी कर रखी है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। हमारी मैं भी अच्छा तौर पर कार्य करती हूँ, और जो हम लोग का ट्रेनिंग अवर में बोला गया था कि 4,750 रुपये मिलेगा, तो 3,750 बोला था किसान का, जो 20 रुपया एक किसान पर मिलेगा, और 1,000 प्रशिक्षण का मिलेगा, जो 5 मीटिंग को हम लोग प्रशिक्षण देना था। तो हम लोग को बोला गया था कि 4,750 रुपया, अब हम लोग का 3,000, 3,200, 2,600 सारे कार्डर को एक जैसा परिमाण नहीं मिलता है, सबको किसी को 2,500 हाँ काम के आधार पर दिया जाता है, तो वहाँ से 4,750 रुपया मिलेगा भी अभी, हाँ यहाँ आते तो हम लोग का कट जाता है। तो हम लोग का एक अभी बना दे कि हाँ पर योजना बना दे कि हम लोग का इतना हर महीने मिलना चाहिए, 3,750 मिले या 4,750 हम लोग का परियोजना दे। हम लोग का कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग खेत में भी जाते हैं भ्रमण करते हैं, अगर कुछ हो जाए तो हम लोग को तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आईडी कार्ड भी मिलना चाहिए, हम लोग का इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, हम लोग कुछ हो जाए तो हम लोग को कुछ मिलना चाहिए। हम लोग फील्ड में निकलते हैं और हम लोग के साथ कुछ रास्ता में घटना हो जाता है, हाँ और जीविका का स्टाफ हम लोग को देखने नहीं जाता है, तो हम लोग को तकलीफ लगता है। गार्जियन लोग कहते हैं कि क्या काम करते हैं, लेकिन वो लोग को देखने कोई नहीं आता है, हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, हमारा इंश्योरेंस नहीं है, क्या नहीं है, क्या पर काम करते हैं, वो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। और ये जो है ना मतलब कि हम लोग पुराने होते जा रहे हैं, हम लोग को हटा के नया लोग को रखा जा रहा है, एक बार घर से किसी को बाहर निकालना चाहिएगा, और जाने बैठने के बैठेगा तो वो नहीं बैठे, इसीलिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या मामला है? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग खेल के अंतर्गत फील्ड वर्किंग VRC पद पर कार्य करते हैं, और हम लोग से कार्य करवाया जाता है फील्ड वर्किंग, और वहाँ हम लोग ट्रेनिंग लिए तो वहाँ बताया गया कि 3,750 रुपया आपको एस एन टी मिलेगा पर्सनल, 1,000 आपको एस एन टी मिलेगा फील्ड वर्किंग के लिए, उसको उसके बाद हम लोग काम करके देते हैं, उसके बाद हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है तो 2,500 से 2,600 रुपया हर महीने, वो भी 2 महीना 3 महीना। हम लोग का मांग है वही कि हम लोग का कम से कम 15,000 से 20,000 सारे कार्डर को किया जाए, जो पेमेंट नौकरी को पक्का करें, नौकरी को पक्का करें, यहाँ कोई काम यही सब सारे कार्डर लोग का मांग। कहना है जो मान लीजिए 15,000 जाता है उसका 150 मान लीजिए कंट्रीब्यूशन आता है, तो 150 जो रुपया दिया जाता है उसी को लेकर आदमी यहाँ से परियोजना जो देता है उसी को जोड़ के हम लोगों को दिया जाता है। तो हम लोग का कहना है जो 150 रुपया जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो दीदी के पास जाते हैं तो भीख जैसा उससे मांगते हैं, वो नहीं भरती है 15,000 के, कहती है 15,000 जब पाँचों दीदी तीन दीदी को हमको दे दिए 5,000 तो हम क्या चीज़ का ब्याज दें। इतना हम लोग करते हैं तो नहीं, 5,000 देने से आप लोग उसका हर महीने 150 रुपया मांगते हैं ब्याज, तो किस आधार पर दें हम? तो इसलिए हम कहते हैं क्या सर, हम कहते से नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग का कंट्रीब्यूशन कहाँ से बनेगा? तो दीदी आप लोग हमसे भीख मांगते हैं, मीटिंग कराने आते हैं तो भीख मांगते हैं, ऐसे करते हैं।
सीसीएससी सर से कोई मैंने नाराजगी नहीं है, हम लोगों को ऊपर मांगने की लड़ाई है। हम लोगों को मानदेय बढ़ा दिया जाए, उसको उसी पर हम लोग कंट्रीब्यूशन सिस्टम छुड़ा दिया जाए। इतना कोरोना काल चला है उसमें हम लोग भी काम किए, को भी कुछ नहीं भी मिला। इलेक्शन हुआ उस पर बोला गया कि 5,000 रुपया आप लोग घर घर जाकर के सब महिला को इलेक्शन में वोट दिलवाइएगा, 5,000 रुपया मिला, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को अंधकार में रख रख के काम कराया जाता है और पैसा नहीं दिया जाता है। बार बार ऐसा ऐसा होता है। हम लोग को आईडी दिया जाए, ड्रेस दिया जाए और जो इंश्योरेंस किया जाए, ये सब मांगे पूरी किया जाए। हम लोग कब तक तालाबंदी करिएगा आप लोग? तालाबंदी जब तक हम लोगों को भरिया जाए, वो जब तक हम लोगों को खुल देंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी डीपीएम सर को आप घेरे हुए थे? नहीं सर, घेरे हुए थे नहीं, डीपीएम सर से कोई हमको नाराजगी नहीं है, सीसी दीदी से कोई नाराजगी नहीं है, सर से दीदी से कोई नाराजगी नहीं है। हमको सरकार से मांग है, हमको परियोजना से मांग है। इस बात को आगे सर सीसी दीदी बढ़ाए और इस बात को हल करके हम लोगों को साथ दे और हम लोगों को मानदेय के कुछ नहीं। परिचय, मेरा नाम माला सिन्हा, कर्जा पंचायत की हूँ, संघर्ष सीएलएफ की मैं कैडर हूँ।